भारत ने अपनी बुलेट ट्रेन क्या बनाने की शुरुआत करी? तिलमिला उठा जापान। अमेरिका के कहने पर जापान ने 10 कंपनीज पर लगा दिया प्रतिबंध। उधर भारत को रोकने निकले थे कई सारे देश, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती ने एक नए डिफेंस एग्रीमेंट पर ही साइन कर लिया। इसी से जुड़ी एक और खबर के मुताबिक, जब भारत की दोस्ती रूस से गहरी हो रही है तो पाकिस्तान को ये बात पच नहीं रही। ना तो पाकिस्तान का सहारा अब चीन रहा है और ना ही रूस, तो ऐसे में पाकिस्तान का अपनी टांगे तुड़वाना लाजमी है। पाकिस्तान की तो ये हालत हो चुकी है कि वो अपने एयरपोर्ट्स तक बेचने जा रहा है। उधर यूक्रेन में सीक्रेट मिशन के लिए अमेरिका अपने सैनिक भेजने का प्लान बना रहा है, ताकि रूस को अमेरिका आगे बढ़ने से रोक सके। एक और इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो केन्या देश में भारी अफरा तफरी मची हुई है, जिसमें भारत के 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट की भारत से जुड़ी खबरों में सबसे बड़ी चीज सामने निकल कर आई है, जिसमें भारत ओमान देश के साथ एक बड़ी ट्रेड डील साइन करने जा रहा है। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, इसका एक ताज़ा उदाहरण है। चाइना ने लॉन्च किया था एक रॉकेट, जो लॉन्च होने के बाद उसी के अपने ही शहर पर जा गिरा। भारत अब जोड़ेगा अपने रफेल फाइटर जेट के साथ भारत में ही बनी रुद्रम वन मिसाइल। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए कई बड़े मुद्दों पर हस्ताक्षर, जिसमें नदी परियोजना से लेकर डिफेंस सेक्टर पर भी चर्चा हुई। जानते हैं दोस्तों दिन भर की टॉप 10 इंटरनेशनल खबरों को, जो भारत से जुड़ी हुई हैं, वो भी विस्तार के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी कई घंटों की मेहनत सफल रहेगी। जापान अमेरिका का अच्छा दोस्त है, दोनों की आपस में खूब बनती है। हालांकि जापान की रूस के साथ कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के कहने पर जापान ने उन देशों की कंपनीज पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो किसी न किसी रूप से रूस के साथ व्यापार या फिर रूस के साथ संबंध रखती हैं, जिसमें जापान ने पहले तो चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और फिर भारत की 10 कंपनीज पर बैन लगाया है। यहाँ हम आपको बता दें कि जापान का इन देशों की कंपनीज के साथ कोई नोकझोंक नहीं है, फिर भी अमेरिका के कहने पर जापान ने ये सख्त कदम उठा लिया है, जिसकी उसे भारत आने वाले समय में कीमत चुकाने पर मजबूर जरूर करने वाला है। दोस्तों रूस और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच रिश्ते काफी अच्छे बन रहे हैं, वहीं इसमें भारत की कंपनी को सैंक्शन लगाने का सीधा सा मतलब ये होता है कि भारत और रूस ने हाल के कुछ महीनों में कई बड़ी डील्स पर साइन किया है, जो अमेरिका को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए अमेरिका ने जापान के जरिए भारत सहित उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूएई और चीन की 10 कंपनीज पर सैंक्शन लगाने का फैसला लिया है। G7 कंट्रीज में यूं तो 7 देश आते हैं, जिसमें फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, यूके, यूएस और जापान शामिल है, जो अपनी G7 मीटिंग में हमेशा भारत को सदस्य ना होने पर भी आमंत्रण भेजते हैं। लेकिन इन सभी G7 कंट्रीज की रूस से नहीं बनती, वहीं भारत है जो रूस का काफी पुराना और सच्चा दोस्त है। इसीलिए जब भी कोई डील भारत और रूस के बीच होती है तो ये G7 कंट्रीज चौंक जाती हैं। और हालिया दिनों में रूस ने भारत से डिफेंस हथियार खरीदे हैं, भारत ने रूस का कच्चा तेल खरीदा है। इसके अलावा भी दोनों के बीच कई बड़ी डील्स पर साइन किए गए हैं। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री बहुत जल्द रूस का दौरा भी करने वाले हैं, जहां कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा सकती है। और इसी वजह से चीन और पश्चिमी देश में खलबली सी मच गई है कि इस बार ना जाने भारत और रूस किस बड़ी डील को अंजाम दे दें, जो ना सिर्फ चीन बल्कि वेस्ट कंट्रीज के लिए
एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि आज के समय में भारत ही रूस की सबसे ज्यादा मदद करता है और इस बात की चिंता सबसे अधिक यूएस और यूके को सता रही है। अब जब भारत और रूस के बीच डिफेंस को लेकर बड़ी बड़ी डील करी जा रही हैं, उनमें नए प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत और रूस के बीच हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास अब खुद का कुछ नहीं बचा है। या तो चीन उसकी मदद करे या फिर रूस उसका हाथ पकड़ ले, तभी जाकर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। लेकिन जब भारत और रूस के बीच सैन्य समझौते, डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर, ऑयल मार्केटिंग में बड़ी डील तय हो रही हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा बौखलाहट तो पाकिस्तान में मची हुई है, क्योंकि रूस जो पहले पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था, अब उसने भी अपने हाथ पीछे खींचकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने का फैसला किया है और अपने सारे नए प्रोजेक्ट भारत के साथ कर रहा है रूस। साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि आज पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि उसे अपने एयरपोर्ट्स तक बेचने पड़ रहे हैं, जिनकी बोली सरेआम सोशल मीडिया पर लगाई जा सकती है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका अपने खास सैनिकों की फौज यूक्रेन भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। अगर अमेरिका अपने सैनिक यूक्रेन भेजता है तो ये रूस के लिए एक खतरे की घंटी है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन को लगातार अमेरिका मदद पहुंचाता आया है, फिर चाहे वो हथियारों से हो या फिर पैसों से। जिन सैनिकों को अमेरिका यूक्रेन भेजने का प्लान बना रहा है, उन्हें वहां हथियारों को रिपेयर करने के नाम पर भेजा जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस तरह से अपने सैनिकों को किसी दूसरे देश में भेजा हो। अफगानिस्तान और इराक में बड़े पैमाने पर अमेरिका ने अपने कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों को भेजा था, और ऐसा ही कुछ वो यूक्रेन की मदद के नाम पर रूस के खिलाफ अपने सैनिक उतारने की कोशिश कर सकता है। दुनिया की एक और बड़ी खबर में सबसे ज्यादा चर्चा केन्या देश की करी जा रही है। केन्या देश में वहाँ की सरकार ने टैक्स बढ़ाने को लेकर एक कानून पास किया था, जिसे वहाँ के लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और पूरे केन्या देश में इसका विरोध हुआ। वहाँ के लोगों ने अपनी ही संसद को जला दिया। इस अफरा तफरी के माहौल में भारत के लगभग 20,000 लोग केन्या में फंसे हैं, जिन्हें भारत विदेश मंत्रालय की ओर से घर में रहने की सलाह दी गई है। और इस खबर में ताज़ा अपडेट के मुताबिक जब हिंसा ज्यादा फैल गई और 22 लोगों की मौत हो गई, तब जाकर केन्या के राष्ट्रपति को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने अपना टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस लिया। भारत ने ओमान के साथ एक नए ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए हैं। वैसे भारत और ओमान के बीच हर साल $13 बिलियन का व्यापार किया जाता है, जिसमें भारत ओमान के रास्ते होते हुए मिडिल ईस्ट के दूसरी कंट्रीज में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। ओमान के जलमार्ग से होते हुए भारत 60% कच्चा तेल लाता है, और अब इसी मार्ग को छोटा और सस्ता बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ होमरोज को लेकर भारत ओमान और ईरान तक आसानी से शिपमेंट ट्रांसपोर्ट को आसान करने के लिए एक डील पर साइन किया गया है, जिससे भारत मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में अपना व्यापार आसानी से कर सके। चीन की बात करें तो पूरी दुनिया जानती है चीन के माल की सच्चाई, और चीन के माल की कोई गारंटी नहीं होती। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब चीन ने अपने एक रॉकेट को टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया, पर वो रॉकेट उसी के एक शहर में वापस से जा गिरा, जिससे पता चलता है चीन जब अपनी टेक्नोलॉजी से अपने ही रॉकेट नहीं बना पा रहा, तो वो भारत का क्या ही कर लेगा। ये पहली बार नहीं जब चीन की नकली बनावट का पर्दाफाश हुआ है और चीन का रॉकेट फेल हुआ है। भारत के राफेल फाइटर जेट ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने राफेल फाइटर जेट में ऐसा बदलाव किया है
जिससे भारत में बनी रुद्रम 1 मिसाइल को राफेल जेट में लोड करके लॉन्च किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है, अब भारत को विदेशी मिसाइलों के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। रुद्रम 1 मिसाइल भारत में जितनी चाहे उतनी संख्या में बनाई जा सकती है, जिसमें दूसरे देश से फाइटर जेट के लिए मिसाइल खरीदने का खर्चा भी काफी कम हो जाता है। ये भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी जीत है, जिस कारण भारत के फाइटर जेट्स दिन प्रतिदिन भारत की कंडीशन के हिसाब से चेंज किए जा रहे हैं, और ये चीज भारतीय डिफेंस को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले हफ्ते भारत में 2 दिन के दौरे पर आई थी, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच कई बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मीटिंग में दोनों देशों के बीच डिजिटल डोमेन में रिश्तों को मजबूत बनाने और हरित साझेदारी को लेकर एक डील पर साइन किया गया। इसी के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए डील पर भी साइन हुआ। इतना ही नहीं, भारत अब बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल ई वीजा जैसी सुविधाएं भी देने जा रहा है। इसके अलावा दोनों ही देशों के बीच मत्स्य व्यापार को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ इंटरनेशनल न्यूज। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपने आप को जागरूक रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट और सारी खबरों की सूचना आप तक पहुंचे सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।